हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 10 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन ब्रिटानिया इंडस्ट्री में 2.58% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 3621.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम यहाँ पे उसको यूज करना जरूर समझाएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको यहाँ पे छोटा सा हिंट भी दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट के वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हो रखी थी इस कैंडल में। यहाँ मतलब यहाँ पे ओपनिंग जो आप देख सकते हैं गैप डाउन एक तो यहाँ पे हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जो है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे इस स्टॉक की जो अर्निंग्स रिलीज हुई थी जहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन से जो है यहाँ पे कम जो है हमें अर्निंग्स देखने मिली, इसकी वजह से यहाँ पे जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है यहाँ पे सेल किया है इस स्टॉक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने 52 वीक हाई से बहुत ही नीचे आ चुका है ये स्टॉक और यहाँ पे अभी जो है इसने 20 MA 50 MA का भी क्रॉसओवर बनाने के बाद यहाँ पे और नीचे गया। 200 MA का भी जो है आज के दिन इसने जो है क्रॉस करते हुए उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। बाकी बात करें हम RSI की, RSI यहाँ पे 34-35 के आसपास, मतलब यहाँ पे जो है हमारा RSI आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में से आके होते हुए बाहर आया है इवन, लेकिन यहाँ पे वापस ऐसा लग रहा है और नीचे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे और भी जो सेलिंग हमें देखने मिल रही है। इवन तो हमारा RSI अपसाइड का ज़रूर इंडिकेशन देता है, लेकिन याद रखें हम कभी कभी जो है इंडिकेटर समाज जो हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, इसकी वजह से मैं कहूँगा हम जो है RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें उसे जो है ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात करूँ अगर मेरे ओपिनियन की आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में, तो यहाँ पे फिलहाल ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 200 MA आप देख सकते हैं ज़रूर जो है 200 MA को क्रॉस करेगा और 20 MA 50 MA के बीच में जो आपको घूमते हुए देखने मिल सकते हैं, मतलब 3800 से लेके 3600 के बीच में जो है आपको ये स्टॉक जो है इस मंथ जो है मुझे लग रहा है घूमते हुए देखने मिल सकता है। और फिर यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरह से जो है कंपनी परफॉर्म कर रही है, किस तरह का क्या यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट जो है आते हैं यहाँ पे उस पर ज़रूर जो है ध्यान देनी है, फिर ही उसी हिसाब से जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। करेंटली यहाँ पे हम जो है इस स्टॉक में नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इवन तो थोड़ा सा अप जाएगा तो यहाँ ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पे और अप जा सकता है। याद रखें थोड़ा सा हमें फिलहाल कॉशियसली काम करना है इस स्टॉक में, फिलहाल ये स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे जो चार्ट के बेसिस पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो है आने वाले दिनों में और नेक्स्ट डे में जो हमें मूवमेंट देखने मिल सकती है। यहाँ पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे हम आपको समझाते हैं, तो ज़रूर जो है आप यहाँ पे हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने ताकि यहाँ पे आपको समझे कि किस तरह से जो मोमेंट आपको देखने मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी कोई और स्टॉक भी देखे तो यहाँ पे हमेशा जो चार्ट रीडिंग आप बेसिक सा कर पाए ताकि आपको पता हो कि किस साइड में जो है एक स्टॉक जा रहा है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी स्टॉक में तो उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हम हमारे 1 आवर के चार्ट में आपको मार्क करके बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ जो है ऑलरेडी मार्किंग हुए थे, जो हमारे पुराने वीडियोस के जो मैं कहूँगा एक रेजिस्टेंस जोन है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है मार्किंग हो रखी थी। फिलहाल यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा जो डेटा मिल रहा है उस बेसिस पे यहाँ पे मैं थोड़ा रेजिस्टेंस जोन और यहाँ पे जो है सपोर्ट जोन भी जो है हमें देखने मिल रहा है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट जोन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को जो है आप पॉज करते हुए
अपना जिस तरह से जो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम यहाँ पे जो आप अपने चार्ट में भी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग है वो आपको हमेशा काम आएगी जब भी ये स्टॉक जो है उस रेंज में आएगा तब। बाकी यहाँ पे हम जो आपको अपडेट्स हमेशा लाते रहते हैं हमारे चैनल पे, ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपने जो है अभी तक जो है बेल आइकन को नहीं दबाया तो अभी के अभी जो बेल आइकन को भी दबा दे। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो है मार्किंग्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 3621 पे क्लोजिंग हुई है। हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट आता है वो आता है 3614 का, और यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 3651 का। तो याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर आपको जो है इस बीच में ये स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको जो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में जो है आपको यहाँ पे क्रॉस करते हुए जाते हुए देखने मिले तब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। यहाँ पे अब मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है यूज़ करना है। तो समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट सपोर्ट को तोड़ते हुए जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक ने जो है अपना डायरेक्ट सपोर्ट जो 3614 का जैसे ही यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे आपको जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको 3 रेड कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले यहाँ पे जो है आपको एंट्री लेनी है 4th कैंडल पे, और फिर यहाँ पे हमारा अगला जो सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 3590 का। 3590 से आपको जो है यहाँ पे मैं कहूँगा 12 पॉइंट मतलब यहाँ पे 3602 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ ये डिफरेंस जो क्यों रखना है थोड़े टाइम में, लेकिन यहाँ पे आप हमेशा याद है कि डिफरेंस के साथ ही जो है अपना टारगेट सेट करें। अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो और नीचे जा सकता है तो यहाँ पे ज़रूर जो आप 3590 तक का जो है यहाँ पे वेट कर सकते हो आने का, और फिर वापस से 3 रेड कैंडल बनने का वेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 3569 जो है हमारा अगला सपोर्ट आता है उससे 12 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे जो है आपको 3568 का यहाँ पे जो है आप मैं कहूँगा 3578 का जो आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। इवन तो यहाँ पे 10 पॉइंट है लेकिन यहाँ पे 5 मिनट का जो हम चार्ट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो रेड कैंडल की बात करें वो ईजिली उतने में जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आप जो है यहाँ पे गैप छोटा है इसके से आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो कम भी रख सकते हैं। बात करते हैं हम अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगला जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है 3651। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जो है क्रॉस किया यहाँ पे आपको वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का, और यहाँ पे जैसे ही आपको 3651 के ऊपर 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले यहाँ पे आपको जो है एंट्री लेनी है 4th कैंडल पे, और फिर 367 से जो हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन आता है उससे यहाँ पे जो है आपको 12 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे जो है आपको 3664 का जो है यहाँ पे मैं कहूँगा या फिर 3665 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो और ऊपर जा सकता है तो यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा सेफ खेलते हुए अपना जो है टारगेट जो हमारा एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे पहले लगाए, क्योंकि वहाँ से जो आपको रिवर्सल देखने मिल सकता है। यहाँ पे अब मैं बता दूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे डिफरेंस क्यों रखना है। डिफरेंस यहाँ पे जो आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ट्रेडर्स जो है हमारे ऑलरेडी एक बाइंग पॉइंट और एक सेलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी अपने ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं, और उनका वो ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए उसकी वजह से वो क्या करते हैं वो हमेशा जो है अपना जो है बाइंग पॉइंट हो या फिर सेलिंग पॉइंट हो हमेशा एक डिफरेंस के साथ रखते हैं सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस साइड में, और उनका डिफरेंस रखने की वजह से वो जो है ऑर्डर उनका तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप भी जो है कुछ इसी तरह से स्मार्ट वे से अपना भी जो है यहाँ पे टारगेट जो है वो एक 12 पॉइंट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 12 पॉइंट इवन दो यहाँ पे मैं आपको जो है वो पॉइंट मतलब ये जो डिफरेंस जो किससे डिसाइड है वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम में, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस जो आप रखोगे तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप इजीली अपना टारगेट जो अचीव करवाओगे, और दूसरी बात यहाँ पे किसी किसी पॉइंट पे मतलब एक प्राइस पे जो है यहाँ पे कभी कभी क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है। क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है स्टॉक जो है रिवर्सल चले जाता है, मतलब हमारा स्टॉक जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक एग्जैक्ट पहुँचता ही नहीं है और उसी से पहले जो है रिवर्सल चालू हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है अपना टारगेट जो थोड़ा सा डिफरेंस में रखें ताकि वो जो है ईजिली अचीव हो जाए, और रिवर्सल से पहले ही जो आप अपना टारगेट भी जो है अचीव कर पाओगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्सल का जो लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे। बाकी यहाँ पे अब बात रही आपको ये डिफरेंस जो है किस तरह से डिसाइड, तो मैं आपको बता दूँ डिफरेंस यहाँ पे जो आपको क्या करना है आप कोई भी स्टॉक हो आपको जो है यहाँ पे देखना है उसका प्राइस और प्राइस डिजिट। तो यहाँ पे हमारा प्राइस है 3600 और डिजिट है 4। तो यहाँ पे आपको जो है ईजिली 12 to 18 पॉइंट्स का जो है 1 से 2 मिनट में फ्लक्चुएशन जो देखने मिल जाता है।
इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है 12 पॉइंट्स जो मिनिमम एक पॉइंट है यहाँ पे, आप जो उतना डिफरेंस रखते हो अपना जो है यहाँ पे टारगेट सेट करें, बाकी यहाँ पे आपकी चॉइस है। अगर आपको यहाँ पे जो है 13 पॉइंट 14 पॉइंट भी रखना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा मिनिमम भी रखोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे ये स्टॉक जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है, फिर वहाँ से बाउंस ले सकता है। मतलब यहाँ पे फिलहाल जो है नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में कल के दिन जो है ये स्टॉक आपको क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 3.90 तक भी ये जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है अपना कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो है यहाँ पे हमेशा ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में मुझे लग रहा है कल के दिन इसका जो है क्लोजिंग हो सकता है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।